हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप है एक्सेल कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी नवंबर का एग्जाम कल से स्टार्ट है। जिनका भी कल एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। स्टूडेंट्स, क्लास की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे, दूसरी क्लास शाम को 7:30 बजे और तीसरी क्लास है रात में 9 बजे। तो इन तीनों क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। कल एग्जाम से पहले एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा सुबह 7 बजे। जिनका भी कल एग्जाम है वो सुबह 7 बजे की वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन कल एग्जाम में आने हैं उसके बारे में हम आपको बता देंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अब है एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें मैसेज करिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है अब है एक्सेल कंप्यूटर @gmail.com। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है ना। एक क्वेरी आई थी मेमोरी के लिए, तो मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग क्या होता है, डाटा प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थाई या अस्थाई तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है ना। क्या करते हैं, जैसे आप किसी को देखते हैं आपके माइंड में उसकी फोटो स्टोर हो जाती है, और जब कभी फिर से दोबारा उसे आप देखते हैं तो आपके मन में यह बात आती है कि मैंने इनको कहीं देखा है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या है, जो भी वर्क आप करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में आपका डाटा स्टोर रहता है, जिसे बाद में आप अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी, तो एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। एक डायग्राम द्वारा आपको दिखाते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को। यहाँ से आप पूरी कंप्यूटर मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी दो पार्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए रैम के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक है एस रैम और दूसरा है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब एस रैम के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, और डी रैम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अभी इनके चारों और तीनों पार्टों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। अब देख लेते हैं रोम के बारे में, फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम 3 प्रकार के होते हैं, एक है आपका पी रोम, एक है आपका ईपी रोम और एक है आपका डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत क्या है आपका एचडीडी। एचडीडी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऐसी एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉफी डिस्क और मैग्नेट टेप, ये तीनों आपके सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं, ठीक है ना। सॉरी, तीनों नहीं, यहाँ पर कई सारे हैं, ये सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अब एक कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर को कहते हैं तेज और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। तो उसके लिए भी आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाते हैं कि कौन सी मेमोरी आपकी तेज होती है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पर रेशियो मैंने दे दिया है, यहाँ पर ये क्या है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग है, और जो नीचे जा रहा है आपका ये साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम साइज, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका साइज के अकॉर्डिंग है और ये स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी।
उससे छोटी कौन सी है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से छोटी कौन सी है? कैश मेमोरी। और कैश से छोटी रजिस्टर। तो सबसे छोटी मेमोरी कौन सी हो गई? रजिस्टर। और आकार में सबसे बड़ी मेमोरी सेकेंड मेमोरी। अब स्पीड में देखें तो सबसे तेज कौन सी है? देखिए सबसे ऊपर कौन सी है? रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होती है वो सबसे तेज होती है, उसके बाद आती है कैश मेमोरी सेकेंड नंबर पर, देन मेन मेमोरी, देन सेकेंड मेमोरी। मतलब सबसे कम स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की, उससे तेज मेन मेमोरी की, उससे तेज कैश मेमोरी की, और कैश मेमोरी से भी तेज होती है रजिस्टर की। तो याद रखिएगा, स्पीड की बात करें तो रजिस्टर, और साइज की बात करें तो सेकेंडरी अपने जगह पर टॉप पे, ठीक है ना। तो यहां से समझ में आ गया होगा आपको इसके बारे में। आप आगे देख लेते हैं पॉइंट्स आगे के। प्राथमिक मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है ना, और इसको हम मुख्य मेमोरी, अस्थायी मेमोरी और आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्राइमरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जानते हैं, या ये पूछ लेता है अस्थायी मेमोरी क्या है, तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम मुख्य मेमोरी, अस्थायी मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इसके देखिए रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसके तीन पार्ट है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। नेक्स्ट है क्या आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक है आपका डायनेमिक रैम और दूसरा है आपका स्टैटिक रैम, है ना, एस रैम और डी रैम। अब मैंने भी आपको बताया था कि डी रैम के तीन पार्ट है, कौन कौन से हैं आपके? एक एस डी रैम, एक आर डी रैम और तीसरा है आपका डी डी रैम, है ना। तो एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? सनराइज डायनेमिक रैम। आर डी रैम का क्या है? रैमबस डायनेमिक रैम। और डी डी रोम का क्या है? डबल डाटा डायनेमिक रैम। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तीनों, रैमबस डायनेमिक रैम, डबल डाटा डायनेमिक रैम एंड सनराइज डायनेमिक रैम। अब बात आती है स्टैटिक रैम की। तो स्टैटिक रैम के चार पार्ट हैं, एक है नॉन वोलाटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, एडवांस एस रैम, सनराइज एस रैम, ठीक है ना। तो ये भी आता है कि स्टैटिक रैम में स्पेशल एस रैम का है या फिर नहीं है, मतलब कि इनमें से चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और ये पूछता है कि इनमें से कौन सा एस रैम का प्रकार नहीं है, या एस एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, या ए एस एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में आता है। तो इन सभी नाम को आप याद कर लीजिए। वैसे भी इनकी पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्लॉग की, वहां से आप जाके इनको पढ़ सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट इसके बाद बात आती है सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग अधिक डाटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा अधिक डाटा और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। इसे स्थायी, सहायक और बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है। क्षमता के बारे में बात करें तो इसकी क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की जो गति है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कम होती है। उदाहरण में देखिए तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आता है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क इसका उदाहरण है और इसके अंतर्गत क्या है? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत क्या आता है? सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, जिसे हम बीडी भी कहते हैं। एग्जाम में यही पूछता है कि बीडी क्या है, तो बीडी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लूरे डिस्क, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका एसएसडी। एसएसडी के अंतर्गत क्या है? पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, ये सभी आपके एसएसडी के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क से तीन चार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनको भी बताते हैं आपको। फ्लॉपी डिस्क है क्या? तो यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है। इसमें चुंबकीय पदार्थ की एक लेप चढ़ी होती है, मतलब एक परत ऊपर से इसमें चढ़ी होती है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की जो लंबाई है वो है 3.5 इंच। तो ये भी आता है कि वर्तमान में जो फ्लॉपी डिस्क का यूज होता है उनकी लंबाई कितनी है, तो कितनी होती है? 3.5 इंच होती है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फिर इसमें है उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB होती है, याद रखिएगा उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है, जबकि अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता इसकी 2 गुनी होती है। अब यहाँ पर कुछ पैमाने हैं, देख लीजिए, ये भी आता है एग्जाम में कि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है, तो 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 80 KB।
5 से 1 बटे 4 इंच की क्षमता कितनी होती है 1.2 एमबी एंड 3 1 डिवाइड 4 इंच कितनी होती है 1.44 एमबी याद रखिएगा। अब यहां पर दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं कि प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहां पर चार प्रकार के अंतर है, एक आपका स्थान के आधार पर, प्रकार के आधार पर, क्षमता के आधार पर और गति के आधार पर। स्थान में देखें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है, वहीं जो सेकेंडरी मेमोरी है सहायक मेमोरी वो कंप्यूटर के बाहर होती है। प्रकार की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी आपकी अस्थायी है और सहायक मेमोरी आपकी स्थायी है। क्षमता की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, वहीं सहायक मेमोरी की जो क्षमता है वो असीमित होती है, ठीक है ना। गति की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की गति तेज होती है, वहीं सहायक मेमोरी की गति धीमी होती है। ओके, आप देख लेते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, याद रखिएगा बाइनरी डिजिट होता है। चार बिट्स मिलकर एक निबल बनते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक निबल कितने के बराबर होता है, तो एक निबल चार बिट के बराबर होता है, तो चार बिट में एक निबल होते हैं। फिर है आठ बिट्स में एक बाइट होते हैं, अर्थात एक बाइट में कितना होता है आठ बिट होता है। 1024 बाइट मिलकर एक किलो बाइट या एक केबी बनाते हैं, केबी का फुल फॉर्म क्या है तो किलो बाइट होते हैं, तो एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट 1024 केबी मिलकर एक एमबी बनाते हैं, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। कभी कभी ये भी आता है कि एक मिलियन में कितने किलोबाइट होते हैं, तो एक मिलियन में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट है एक जीबी, तो 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाते हैं, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है गीगाबाइट, और ये किसके बराबर है एक बिलियन के, तो अर्थात एक बिलियन में कितने जीबी होते हैं, तो एक बिलियन में एक जीबी होता है, और कितने एमबी होता है ये पूछता है, तो एक बिलियन में 1024 एमबी होते हैं। नेक्स्ट है आपका टेराबाइट, तो एक टीबी 1024 जीबी के बराबर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा 1024 जीबी मिलकर बनता है क्या एक टीबी, और 1024 टीबी मिलकर क्या बनता है एक पीबी, पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पेटाबाइट, याद रखिएगा पीबी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1024 टीबी से मिलकर बनता है एक पेटाबाइट एक पीबी, है ना। फिर है 1024 ईबी, 1024 ईबी मिलकर बनता है 1 जेडबी जेटाबाइट, और 1024 जेडबी मिलकर बनता है क्या एक यूटाबाइट एक वाईबी, ठीक है ना। तो सारे यूनिट्स जो मैंने आपको बताए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आसानी से आप सभी वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।